धामपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय स्योहारा रोड पर स्थित यश लोक पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भाजपा के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के मंडल डायरेक्टर निर्देशक राणा प्रियंकर सिंह का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र बॉबी ने कहा कि उन्होंने धामपुर से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वह धामपुर के लोगों के बीच ही बड़े हुए हैं। उन्होंने समाज के लोगों से एकजुट होकर आगामी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। सहकारी बैंक के निर्देशक राणा प्रियंकर सिंह ने कहा कि धामपुर उनके परिवार की कर्मभूमि रही है। उनके पिता अशोक कुमार राणा भी धामपुर विधानसभा से ही विधायक निर्वाचित होकर क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। उनका प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के लोगों को सहकारी विभाग की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश सिंह और संचालन दीप सौरभ पार्थ ने किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया, महाराणा प्रताप क्षेत्रीय राजपूत सभा की जिलाध्यक्ष पूनम चौहान, नगर अध्यक्ष हरिराज सिंह, धर्मेश कुमार, डीएस चौहान, श्याम सिंह चौहान, कुलमनी सिंह, राजेंद्र सिंह, टीकम सिंह, सौरभ ठाकुर, रोहिताश सिंह, अरुण कुमार, दीप गौरव, तनुज चौहान, राघव शरण गोयल, कामेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। विधानसभा के लिए बड़े दर्द का विषय है। पिछले 2019 का चुनाव रहा हो लोकसभा चुनाव या 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, ऐसे विधानसभा चुनाव में सारे क्षेत्रीय भाइयों ने संगठित होकर एक साथ जी जान मेहनत करके अपने सारे मतभेद दबाकर एक क्षेत्रीय को ही धामपुर विधानसभा से जीतेगा। कार्यक्रम के ऊपर का